उनके पास पेपर है। हर घर में सुबह जब आँख खुलती है तो हर घर में पेपर होता है और पहले लिखा होता है लक्ष्मी माता का कि ये कृपा बरसेगी, ये धन वर्षा होगी। 1000 चैनल टीवी पर वही दिखा रहे हैं कि आप ये वाली अंगूठी पहन लीजिए, आपके ग्रह बदल जाएंगे, आपके नक्षत्र बदल जाएंगे। और दिन भर के अंदर सुबह से लेकर शाम तक का सारा प्रचार उनके धर्म का होता है, धर्म का होता है, अंधे धर्म का। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ हैं निर्देश सिंह। निर्देश सिंह एक जाना पहचाना चेहरा है बहुजन मूवमेंट में, और वो इसलिए कि सावित्री बाई फूले का जो मिशन था लोगों को शिक्षित करने का, उस पर काम करते हैं। किसान आंदोलन में लंबे समय तक उन्होंने पाठशाला जो है वहाँ पर चलाई, जो आंदोलन में बच्चे आए थे उनको शिक्षित करने का काम किया। अभी वर्तमान में कहाँ हैं, एक उनके साथ घटना घटी, उनके पति जो है वो दुनिया में नहीं रहे, उनकी एक तरह डेथ हो गई। मैडम, अभी आप जो है दोबारा मूवमेंट में आए, एक बड़े हादसे से गुजरे हैं। पहले तो उस दुख की घड़ी में आपको मैं क्या कहूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि हम सब आप लोग आपके साथ हैं, जो होना हुआ आपके साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन वर्तमान समय में जो बहुजन समाज की राजनीति है, खासतौर से क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस वक्त बहुजन समाज के लोगों के अंदर निराशा सी आ गई है, और मैं सारे बहुजन समाज से अपील करना चाहूँगी कि इस निराशा को अपने पास मत आने दो। आप अगर निराशा अपने पास आने दोगे तो गांधी के हरिजन बनने में देर नहीं लगेगी। हम बाबा साहब के बहुजन हैं, मान्यवर साहब के बहुजन हैं, और वही बहुजन बनके हमें फिर से तिनका तिनका जोड़ना है, फिर से बहुजन बनाना है। बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए आज विचारणीय गोष्ठियाँ हो रही हैं, जगह जगह पर प्रोग्राम हो रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज का भी कार्यक्रम ये रखा हुआ है। तो लोग, हम फिर से हिम्मत कर रहे हैं उठने की। जो लोग जिस लेवल पर है और जितना कर सकता है वो आज उस काम को करे। पड़े पड़े सपने ना देखे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। देखिए, आज दुनिया की सबसे अच्छी बातें, सारे भाषण, सारे वक्तव्य बोले जा चुके हैं, बस जरूरत है उनको जमीन पर लागू करने की। कहाँ कमी आपको लग रही है कि जमीन पर हम लोग राजनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक आंदोलन जो हमारा था उसमें, सांस्कृतिक आंदोलन में हम लोग पिछड़ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, कहाँ क्या कमी दिखाई दे रही है? देखिए, कमी हमारे साथ एक होती है कि हमारे पास जो कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, हमारे पास वो बहुत कम है। उनके पास पेपर है, हर घर में सुबह जब आँख खुलती है तो हर घर में पेपर होता है और पहले लिखा होता है लक्ष्मी माता का कि ये कृपा बरसेगी, ये धन वर्षा होगी। 1000 चैनल टीवी पर वही दिखा रहे हैं कि आप ये वाली अंगूठी पहन लीजिए, आपके ग्रह बदल जाएंगे, आपके नक्षत्र बदल जाएंगे। और दिन भर के अंदर सुबह से लेकर शाम तक का सारा प्रचार उनके धर्म का होता है, धर्म का होता है, अंधे धर्म का। जबकि धर्म के प्रचार के लिए सिर्फ हमारा मुंह है, हमारा शरीर है, जिससे हमारे कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो सारे छोटे छोटे समूह बना करके काम किया जा रहा है, संगठन, कोई व्यक्तिगत रूप से कर रहा है, कोई साहित्य बांट कर रहा है, कोई बताकर कर रहा है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो? मैं अभी कई लोगों से मैंने सवाल किया, आपसे भी वही सवाल कर रहा हूँ कि जब RSS गर्भ में थी तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तीन तीन न्यूज़पेपर निकाले, जनता निकाला, समता निकाला, मूकनायक निकाला, मानवर साहब काशीराम ने बहुजन संगठन निकाला। इतना हमारे महापुरुषों ने शिक्षा पर, अखबार पर, पत्रकारिता पर काम किया, हम लोग चार चार बार मुख्यमंत्री बन गए, बड़े बड़े महल बना लिए, गाड़ी खोटा सब कुछ बना लिया, उसके बावजूद हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग पिछड़ रहे हैं, पत्रकारिता में पिछड़ रहे हैं, अखबार नहीं है, टीवी चैनल नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं ना, वो पैसे को जला सकते हैं, वो पैसे को बचा सकते हैं, छुपा सकते हैं, उनके डर के मारे पूरी सत्ता को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उस पैसे का सही यूज नहीं कर सकते, समाज के हित में नहीं लगा सकते। हमारे पास जब आपने ये सवाल खड़ा किया है तो बात यह है कि अगर हम चाहते तो हमारे खुद के बहुजन मीडिया खड़े हो सकते थे, और आज भी इस बहुजन समाज के जो अपने दम पर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं उनको भी कोई संरक्षण नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अपने दम पर वो लोग काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो लोग पैसे वाले हैं, जो नेता हैं, उनके पास पैसा है, चाहे तो एक एक चैनल खुद खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वह ये छोटे छोटे जो लोग लगा रहे हैं अपना, अपनी जेब का पैसा खर्च करते हैं, अपना पेट्रोल खर्च करते हैं, क्या इन लोगों को आप मजबूत नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं उन्हीं लोगों से यहाँ से अपील करना चाहूँगी कि अब आपके पास में अगर आप चैनल खड़ा करने के लिए आपकी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं तो कम से कम इतनी हिम्मत तो जुटा लीजिए कि इन लोगों को आप ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए, इनको संसाधन दीजिए। छोटे कैमरे से आज वही लाखों की बात इस कैमरे से जा रही है और वही बात उनके 4 लाख के कैमरे से जा रही है, तो आप क्यों नहीं इन्हीं को मजबूत करें? और ये मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इनको भी ना तो आप प्रोटेक्शन देंगे, ना आप इनको कोई सहयोग देंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी खतरे के उसमें घूम करके काम कर रहे हैं। ये तो बात रही पत्रकारिता की, आपने कहा कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल मैं यहाँ पे
पूछ रहा हूँ कि जो हमारे बड़े राजनेता हैं, जैसा आपने कहा कि वो चाहें तो एक एक चैनल अपना खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। क्या कारण है, वो क्यों सोशल मीडिया, मतलब क्यों सोशल मीडिया मजबूत नहीं कर रहे हैं, क्यों अपना मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, क्यों प्रिंट मीडिया में उनकी हिस्सेदारी, कहाँ का डर है, क्या डर है उनको? देखिए, डर कुछ नहीं है, सिर्फ चाह नहीं है उनके अंदर, कोई डर नहीं है। अपना पैसा है, अगर आप खड़ा करते हैं तो उसमें क्या डर है? आप लीगल तौर पर आप खड़ा कर सकते हैं, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? माननीय काशीराम साहब ने सही कहा था कि सिर्फ मेरे समाज में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर कमी है तो चाह की कमी है, चाहत की कमी है, जो वो चाह कर नहीं सकते, और त्याग की कमी है। आज समाज के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ चाहत की कमी है और त्याग की कमी है। आज हम सिर्फ बोले ना, उसको करें भी, जमीन की हकीकत दें, उसको जमीनी अमली जामा पहनाने का जब हम काम करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ हम बहुजनों के लिए छोटी नहीं, बड़ी नहीं है, मुसीबत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है आज। चलिए, तो आप थी निर्देश सिंह, और जैसा मैंने उनके परिचय में बताया कि सावित्री बाई फूले पाठशाला चलाती हैं, देश भर में काम करती हैं।